हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएमएफ के बारे में समझा था। क्या था पीएमएफ? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इसको क्रिएट करना सीखा था, याद आ रहा? नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, दुनिया भर का चीज़ें अपन ने सीखा वहाँ पर। और लगे हाथ हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी सीख ही लिया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए हमेशा। क्या होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इसके बारे में डिस्कशन हो गया है। और इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जो बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, 0 से 1 के बीच में, 0% टू 100%। और सेकेंड कंडीशन ये है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी दिखेंगे उन सबको प्लस करके, जितने भी प्रोबेबिलिटी दिखेंगे उन सबको प्लस, प्लस मतलब समेशन करके हमेशा क्या होना चाहिए? 1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है? पीएमएफ है। पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बस आज के लेक्चर में अपने को पहले इस पर डिस्कस करना है। तो बच्चा अगर नहीं लिखा रहेगा ना तो इसको रेड लाइन के ऊपर लिख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चलो रफ नहीं कर दो, यहाँ पर देखो आंसर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है? ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ऐसे डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए इसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जिसको पीएमएफ बोलते हैं। एक मिनट वापस एक बार बात करते हैं। सबसे पहले देखो पी ऑफ एक्स को देखने का है। ये एक्स को देखना भी नहीं, मैंने एक्स को कट कर देता हूं। ये एक्स को देखना भी नहीं, मैंने बार बार बोला ये एक्स को देखना भी नहीं है। ये प्लस रहे माइनस रहे मुझे देखना भी नहीं, मैंने बात कर लिया। ये हर बार ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पी ऑफ एक्स को देखो, 0 से 1 के बीच में है क्या? ये 0 से 1 के बीच में देखो 0.4 है। हाँ 0.4 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 0 भी चलेगा। हाँ तो इसका मतलब पहला कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई किया। हियर क्या लिखोगे? इंग्लिश में लिखो ऐसा, पी ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू ऑट 1। यहाँ पर बोलो ये क्लियर हो गया? पहला कंडीशन इक्वल टू भी लिखना है। हाँ बच्चा ये चीज़ याद रखना, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये है कि हम लोग को है ना जितने भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिख रहे हैं उनको प्लस करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मतलब इसको 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 तीन प्रोबेबिलिटी को प्लस करेगा, हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 ही आना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो बोलने का पीएमएफ नहीं है। चलो देखते हैं। अच्छा लिखने का तरीका देखो, शायद मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर रीड करने का भी बताया था। एक्स का वैल्यू बोलो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0, 1, 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2। अब ये क्या सीन है? इंटीग्रेशन में याद होगा लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, वैसे समेशन में भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। सीन ये है, इसका मतलब सिंपल होता है कि एक बार एक्स की जगह पे 0 डालो, एक बार एक्स की जगह पे 1 डालो, एक बार एक्स की जगह पे 2 डालो, यही वाला सीन है। देखो अगर डाउट आता है यहाँ पर देखो, एक्स की जगह पे एक बार 0 डालो, यहाँ पर देखो क्या क्या पुट अप कर रहा है, 0, 1, 2। इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, 0 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 3 नहीं पुट अप करने का यहाँ पर। चलो स्टार्ट करो, बोलो एक्स की जगह पे 0 डालो, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 नहीं डालने का, पी ऑफ 3 नहीं, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है? 0 से 2। अरे आगे समय है, बहुत सारे 6 सब क्वेश्चन है। चलो पी ऑफ जीरो मतलब देखो x के जगह पे 0 डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 0.4 प्लस इसका क्या 0.4, इसको प्लस करेंगे तो 0.2 और इट इज नथिंग बट अगर तुम लोग इसको प्लस करेंगे यू विल गेट 1.0। प्लस करने आता है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, ये चीज़ याद रखना। प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं। 4 4 8 8 2 10, 0 1 इधर, तो ये क्या 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.0 का मतलब कितना होता है? 1। समझ पा रहे हो? यहाँ पर इक्वल टू ऑड 1, इसका मतलब बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो दोनों कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो डायरेक्टली लिखने का गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? इज पीएमएफ। अगर इसमें से तुम लोग में से कोई कॉमर्स वाला बच्चा है तो मैं बता दूं, यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर पीएमएफ नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखने का गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस ये चीज क्लियर हो गया। तुम लोग कॉमर्स वाले को भी सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जगह पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। तो तुम लोग क्या लिखने का? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इट। डाउट है आ जा बच्चा, यहाँ पर आ जा। चलो देखते, मैंने बोला एक्स को देखना भी नहीं है, एक्स को देखता वो तो नाम के लिए, यहाँ पर एक्स की जगह पे 0 से 2। अपने को जो दोनों कंडीशन है क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में है क्या? देखो यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहा हूँ, सोल्यूशन में यहाँ पर हियर देखो सब 0 से 1 के बीच में है क्या? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसने धोखा दे दिया,
दो कंडीशन होता, दोनों में से एक भी फेल तो बोलने का पीएमएफ नहीं है। तो यहां पर क्या बोलेगा, हियर पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू वॉट, पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू माइनस 0.1। पी ऑफ थ्री क्या है, माइनस 0.1। अपना आंसर क्या है, प्लीज मत बोलो कि ये 0 से 1 के बीच में, अरे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं, और नॉट लेस देन 0, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो हरगिज नहीं चलेगा। तो अभी क्या बोलेंगे हम लोग, पी ऑफ थ्री का वैल्यू माइनस 1 है, इसका मतलब इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन, ये तुम लोग के लिए लिख के दे रहा हूं, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, ये वाला, अरे बोलो आया ना, 0 से 1 के बीच वाला। देयरफोर क्या लिखोगे बोलो, देयरफोर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ही नहीं सॉल्व किया तो दूसरे पे जम नहीं करने का, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ पीएमएफ, और इंग्लिश लिखना तो पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ऐसा लिखने का। तो ये क्लियर हो गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरे पे देखने का भी नहीं। एक काम का डाउट है, इधर आ बच्चा, ध्यान से सुन, अपन ने क्या किया था, यहाँ पर देखो सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं अपन, क्या आएगा चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने को देखने का कि पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या नहीं, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ग्रेट, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। चलो देखते हैं, एवरीवन यहाँ पर आना चाहिए, हियर क्या लिखोगे, पहला हियर क्या आएगा बोलो, लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा रखो सर, क्लियरिटी मेंटेन रखो सर। हियर पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू भैया जी 0 से बड़ा हो 1 से छोटा, 0 भी चलेगा 1 भी चलेगा, सब कुछ हाँ सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन सबको प्लस करना है, किसको प्लस करना है, पी ऑफ एक्स को प्लस करना है, मतलब किसको किसको प्लस करना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, मतलब एक्स की जगह यहाँ पर लिखना कैसे, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, एम आई क्लियर बच्चा, यहाँ क्लियर हो गया। अभी एक्स की जगह पे अगर लिखना है तो लिख लो, एक्स की जगह पे 0 से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2, इसका मतलब एक बार एक्स की जगह पे 0 डालने का, प्लस एक बार एक्स की जगह पे 1 डालने का, प्लस एक बार एक्स की जगह पे 3 डालने का, तो पी ऑफ 0 का वैल्यू 0.1 प्लस 0.6 प्लस 0.3, प्लस करो, मैंने सीखा प्लस करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। नौ 10 0 यहाँ पर 1 क्या है, 1.0 जैसे इधर आ रहा था यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है 1.0, इसका मतलब क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो, लिखने का तरीका क्या रहेगा बोलो, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट बोलो, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पीएमएफ, इज अ पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, लिखना है तो आगे लिख दो ना, अगेन बोलो, अगर कोई बच्चा कॉमर्स वाला है तो यहाँ पर पीएमएफ की जगह पे क्या लिखोगे, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या लिखोगे, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर बच्चा 3 सब क्वेश्चन होता है, 6 सब क्वेश्चन है, अगर तेरे को अभी भी डाउट है तो 4th, 5th, 6th के लिए रुको, मैं बात करूंगा, पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस 4th वाला सब क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया है, हर बार कैपिटल एक्स रहेगा ऐसा नहीं, मैंने बात किया था कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल जेड भी हो सकता है, तो यहाँ पर इस वक्त वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, जेड। अच्छा बच्चा ये तो मत सोचना कि सर यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, अरे बच्चा ये देखना नहीं, हाँ प्लीज डोंट थिंक अबाउट दिस वन, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वेरिएबल कैन बी नेगेटिव, बात हुआ था अपना, याद रखना। तो अपने को सिर्फ, मैंने बार बार बोलता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझे, इसको देखना नहीं है, अपने को जो भी देखना है इसको ही देखना है। चलो पहला वाला सीन क्या है, पहला वाला देखो, पी ऑफ एक्स नहीं, पी ऑफ जेड का वैल्यू, अब वेरिएबल चेंज हो गया, पी ऑफ जेड का वैल्यू क्या 0 से 1 के बीच में है, 0 भी चलेगा, हाँ 0.3 मतलब ये चलेगा 0 भी चलेगा, और 0.05 मतलब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया है ना। तो यहाँ पर लिखने का हियर, बच्चा बोलो प्यार मोहब्बत से, पी ऑफ जेड का वैल्यू क्या है सर जी, 0 से बड़ा 1 से छोटा, अरे आया ना, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। नाउ दूसरा सेकेंड वाला क्या है, समेशन किसको समेशन करना है, पी ऑफ एक्स को लिखना है क्या, नहीं बच्चा ये गलती नहीं करने का, पी ऑफ एक्स से क्या नहीं है, पी ऑफ जेड है, तो यहाँ पर क्या है, पी ऑफ जेड, इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, सिंपल तरीके से बात करो, ये सबको ऐड करो, चलो नॉर्मली एक काम करो, देख के बोलो सबका सब, इसको 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 देख के बोलो आंसर आएगा कि नहीं, पहला कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाइड किया इसने भी, दूसरा कंडीशन सबको प्लस करके देखो, इसको 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 प्लस करो, 1 आ रहा है क्या, हाँ तो पीएमएफ लिखो, 1 आ रहा है क्या, हाँ तो पीएमएफ लिखो, नहीं आ रहा तो बोलो पीएमएफ नहीं है, इसको भी ऐड करो। मेरे हिसाब से तुम लोग ने वीडियो पॉज करके एक बार करना चाहिए, चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करो और 1 मिनट का टाइम लेके वीडियो पॉज करके देख के बताओ आंसर। डन बच्चा,
चलो ग्रेट, बहुत ही अच्छे से तुम लोगों ने सॉल्व किया रहेगा, मुझे लगता है हर एक बच्चे ने कोशिश किया रहेगा और देख के आंसर बता दिया कि क्या आएगा क्या नहीं। नाउ लिखना कैसे ये देखते हैं, समेशन पी ऑफ जेड, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। लेकिन एक टेक्निकली जो बच्चे को मैथ्स अच्छा है उसको समझना चाहिए, यहाँ पर समेशन आता तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखते हैं। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, लोअर में हमेशा कम वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग में से किसी बच्चे को थोड़ा सा आइडिया इंटीग्रेशन का, जिसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, देखो अच्छा समझ ली, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, देखो ऐसा कुछ है, अगर तूने लिमिट चेंज किया, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्लस करना ही होता है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस में यूज होता है, आगे चल के सीखेंगे, फिलहाल के लिए इतना चीज याद रखना। अगर तुमने किसी बच्चे ने इसको लिमिट चेंज किया, 7 को नीचे लिखा 3 को ऊपर, तो बिंदास लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा मालूम है, जब तुमने लिमिट को छेड़ा ना, लिमिट ऊपर वाले को नीचे लिखा, नीचे वाले को ऊपर, तो बाहर माइनस लगाना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। तो वैसी समेशन लिमिट जेड का वैल्यू कहाँ से चल रहा है, अब जेड एक्स के जगह जेड बोल रहा हूँ, जेड का वैल्यू क्या लिख रहा है, 3 से वॉट, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से -1, ये पी ऑफ एक्स। अच्छा खासियत क्या मालूम है, ये डिस्क्रीट है, तो अगर तेरे को लिमिट चेंज करना है, समझ ले तेरे माइंड में ये चल रहा है कि हमेशा नीचे छोटा वाला होना चाहिए, तो समझ ले जेड का वैल्यू -1 से, -1 से 3 लिख रहा है, तो बच्चा कोशिश मत करना, गलती से भी नहीं लिखना इधर माइनस, अरे ये प्लस कर रहा है 2+3+4, ऐसा प्लस कर या 4+3+2 कर, दोनों का आंसर सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या करना रहता मालूम है, आंसर आने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो याद आ रहा है किसी बच्चे को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर साइन में फर्क आ जाता है, यहाँ पर डिस्क्रीट में साइन में फर्क नहीं आता, इसलिए कभी भी लिखना है ना तुम्हारी मर्जी। अब जेड का वैल्यू लिखना है, मैं हमेशा नीचे लोअर कम वैल्यू लिखता हूँ और ऊपर बड़ा वैल्यू लिखता हूँ, तो -1 से वॉट क्या लिखूंगा, 3, तुम लोग की मर्जी होती है बच्चा। अगर तुम लोग में से कोई बच्चे इतना इतना डल है मैथ्स में कि उसको ये सब लिखने में समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा ध्यान से सुन मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर कर ले। ऐसे क्वेश्चन को ना तू डील कैसे करेगा मालूम है, डायरेक्टली पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 2, समझ में आ रहा है, पी ऑफ 0 1, पी ऑफ 0, पी ऑफ -1, ऐसा कर सकता है तू, मतलब ये लिमिट देख रहा भी नहीं है तू, ऐसा कर दे चलेगा, कोई मार्क्स कट नहीं होगा बच्चा, कोई मार्क्स कट नहीं होगा, मैं सिर्फ लिखने का अप्रोच बता रहा हूँ। ये समझ गया बच्चा तेरे को, ये समझा, पी ऑफ 3, पी ऑफ 2, पी ऑफ 1, पी ऑफ 0, इसमें क्या लिखा, पी ऑफ -1, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ -1 की बोला अभी तुम लोग ने, सर ने आपने बोला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल का वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इधर लिखते ना बच्चा, ये क्या, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, ये नहीं, ये तो वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव चलता है, समझ में आ रहा, ऐसा लिखने का तरीका है। चलो अगर तुम लोग में से, चलो इजी तरीका बताता हूँ, जेड इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ लगे, 3 से -1 लिख देते हैं, जो है वही से लिखते हैं। चलो स्टार्ट, बोलो क्या आएगा, पी ऑफ 3, अब यहाँ पर मतलब इसका मतलब 3 से तू किधर जम कर रहा है, -1, मतलब 3 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 0, ऐसा, अरे समझ पा रहे, तो उल्टा जा रहा है, जंप करते जा, डिस्क्रीट है ना, जंप करता है, याद आ रहा है तुम लोग को, यस और नो बच्चा। चलो स्टार्ट करो, पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ -1, अगर तेरे को ये जम रहा ही नहीं तो लिखी मत, मैं तो ये बोल रहा हूँ लिखी मत, मैं तो नाम के लिए लिख रहा हूँ, पी ऑफ 3 का वैल्यू 0.3, 0.2, 0.4 और ये क्या रहा है, 0 प्लस 0.05, मैंने बोला प्लस करने का तरीका बहुत ही आसान होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, 0.3, 0.2, 0.4, ये 0 को लिखी मत, 0.05, अरे दिख गया ये 1 नहीं आ सकता कभी, 5, 3, 2, 5, 9, अरे यार बच गया 0.05 से, तो आंसर क्या आ रहा है, 0.95, विच इज नॉट इक्वल टू वॉट 1, मतलब इसने दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, अब दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड किया, इसका मतलब क्या आ रहा है, देख ये समझा, ये 1 के इक्वल नहीं है, तो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट PMF ऑफ रैंडम वेरिएबल जेड, मैंने देखो इस वक्त थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड लिखा ताकि तुम लोग है ना वाकिफ हो जाओ, फैमिलियर हो जाओ चीज़ों से, रैंडम वेरिएबल स्टार्टिंग में दूंगा तो मतलब नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा, अब समझिएगा, ऑफ रैंडम वेरिएबल RV, रैंडम वेरिएबल जेड, यहाँ पर बताओ, चलो मुझे लगता है आप बच्चे लोग खुद से कर सकते हैं ये वाला पार्ट, मेरे को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल वीडियो भगा के देख लो, हियर P of Y का वैल्यू 0.1, 6 से 0.1 है, 0.2 है, मतलब 0 से बड़ा 1 से छोटा, दूसरा वाला कंडीशन, समेशन पी ऑफ एक्स नहीं लिखना, एक्स नहीं लिखना बच्चा, क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, और वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई का वैल्यू -1 से 1 जा रहा है, ऐसे लिख देने का। चलो स्टार्ट, पी ऑफ, अब देख भी मत इसको, -1, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, ऐसे लिखने का, क्योंकि यहाँ पर लोअर अपर में कुछ भी अगर साइन चेंज करता है ना कुछ मैटर नहीं करता, पी ऑफ -1 क्या हो रहा है, 0.6, 0.1, 0.2, आंसर क्या हो रहा है, प्लस करो 0.7, 0.89,
0.9 आ रहा शायद, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लिखने का नहीं, ये मत लिखो रे तुम लोग, फिर जेड लिखोगे, भाई लोग है साला। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स वाले इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे, अरे आया ना। और साइंस वाले इज नॉट अ PMF लिखोगे, बोलो ये क्लियर हो गया, इज नॉट PMF। तो मुझे लगता है ये आराम से सॉल्व हो सकता है, तुम लोग का कुछ दिक्कत तो नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चा, प्लीज़ कॉपी कर लो एक बार।